लोक संस्कृति में श्री राम। श्रीधर प्रसाद द्विवेदी, पलामू, झारखंड। कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात राम स्वयं धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। जो भी धारणीय उदात्त गुण है वे सभी राम में विद्यमान है। जहाँ राम साहित्य में धर्म मूर्ति हैं, वहीं इस लोक में मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक आदर्श राजा है, तो साथ ही निर्बल के बल राम है। जिस किसी निर्बल के साथ थोड़ा सा भी अन्याय होता है तब राम सर्वोच्च न्यायकर्ता होते हैं। निर्बल यही आशा करता है कि राम निर्णय करेंगे। लोक में वे अलौकिक हैं, तो अज्ञात में ज्ञाता भी हैं। किसी अज्ञात के ज्ञाता भी हैं, किसी अज्ञात के लिए लोक तर्क देता है कि राम जाने। इस प्रकार राम जितने शिष्ट साहित्य में हैं, उससे कहीं अधिक लोक वाङ्मय में व्याप्त हैं। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा के स्रोत की चर्चा करते हुए कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्योतपि। इस अन्यतोपि से उन्होंने लोक में प्रचलित राम कथा का ही संकेत किया है। लोक में प्रचलित गाथा में राम अलग अलग प्रसंग में अलग अलग रूप में उपस्थित होते हैं। अलग अलग आंचलिक संस्कृतियों में उनका अपना एक अलग चित्र देखने को मिलता है। लोक संस्कृति से तात्पर्य आम जन के लोक व्यवहार से है। लोक संस्कृति का तात्पर्य बताते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई यह समूची जनता है, जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है। राम मात्र काव्यों के महानायक ही नहीं, वरन लोक की शक्ति हैं। वे केवल साधु संतों के ही नहीं हैं, वरन भारत के जन जन मन के मानस हंस हैं। वे एक ओर आदर्श पुत्र हैं, तो दूसरी ओर आदर्श भाई भी हैं। आदर्श शिष्य हैं, तो प्रजा के लिए आदर्श कुमार भी हैं। एक ओर आदर्श पति हैं, तो दूसरी ओर आदर्श राजा, मित्र और शत्रु भी हैं। किसी भी सुखद क्षेत्र को, सुकाल को लोक राम राज्य घोषित करता है। आज तक राम के समान कोई नीतिज्ञ राजा नहीं हुआ। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा था। भारत की लोक संस्कृति ही राममय है। यहाँ सभ्यता के हर उपादान में राम रमे हैं। कला, शिल्प, अभिनय, संगीत सभी में राम विद्यमान है। किसी संगीत के आलाप से अगर राम शब्द हटा दिया जाए तो वह निष्प्राण हो जाएगा। कोई भी माता पिता और समाज अपनी संतान के नाम के साथ राम संबोधित कर गर्व का अनुभव करता है। लोक गीतों में तो फलाने राम कहकर गीत गाया जाना आम है। भारतीय संस्कृति संस्कार प्रधान है और संस्कारों में राम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ओतप्रोत है। बालक जब जन्म लेता है तब लोग हर घर में राम जन्म लेते हैं। घर घर में जो बधावा बजता है, जो सोहर गाए जाते हैं, वे राम के लिए गाए जाते हैं। अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, विवाह आदि सभी संस्कारों में लोकगीत में राम उपस्थित हो जाते हैं। विवाह में गालियां भी राम के नाम से गाई जाती है। लोक में पुत्र जन्म होते ही गांव घर की कुल वधुएं, गांव की तमाम महिलाएं जुट जाती हैं और सोहर के लोक धुन में राम मुखरित हो जाते हैं। जन्मोत्सव संस्कार से ही व्यक्ति के जीवन में राम कैसे उपस्थित हो जाते हैं, उसका एक उदाहरण देखिए।
जाहि दिन राम जन्म लिहले धरती आनंद भईली हो, ए ललना बाजे लागल अवध बधावा महल उठे सोहर हो। लोक में हर पिता पुत्र के रूप में राम की कामना करता है, किंतु संबोधन में सभी राम ही हैं। एक लोक गीत में कहा गया है, कवन राम के लाली दर बजवा मणि के दीप बारे हो, ललना कवन राम प्रेम सुंदरिया की लोटन पोटन करे हो। यहाँ राम ही पितामह हैं, वही पिता भी हैं, तो वही पुत्र में भी अवतरित होते हैं। यही तो राम के प्रति समर्पण का भाव है। सकल राम मय जान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव राम ही है। राम कथा के मार्मिक प्रसंग को लोक ने ऐसे आत्मसात किया है जैसे उसका कोई परिजन उस कष्ट को भोग रहा है। श्री राम लक्ष्मण और सीता वनगमन कर रहे हैं, इधर पावस के बादल गगन में घिर रहे हैं, तब लोक में घर घर वात्सल्य उमड़ पड़ता है और माताएं मेघ से विनती करने लगती हैं। मचियन बैठली कौशल्या रानी मेघ से अरजी करे हो, मेघ कदली वन जनी बरी सहु तीनों जना भीजी जय है हो। मोरे राम के भीजे मुकुटवा त लक्ष्मण के पटुकवा नू हो, मोरी सीता के सिर के सेन हुरवा की तीनों जना भीजी जय है हो। वन में राम का मुकुट भीज रहा है, लोग चिंतित हैं। वह राम की रक्षा के लिए मेघ से विनय कर रहा है। वात्सल्य का यह रूप लोक में ही देखने को मिलता है। लोक संस्कृति में राम ठीक वैसे ही हैं जैसे लोक में लोग हैं। लोक अपने तरीके से राम को प्रस्तुत करता है, अपने अनुसार उनका चरित्र चित्रण करता है और राम कथा के विभिन्न घटनाक्रमों का औचित्य सिद्ध करता है, पर राम के चरित्र पर आंच नहीं आने देता। अयोध्या नरेश राम गर्भिणी सीता को निष्कासित करते हैं, किंतु लोक मानस इस लांछन से राम को कैसे बचा लेता है। लोक में ननद और भौजाई की नोकझोंक एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति का प्रचलन आम है। इस संबंध में एक गीत है, राम जी की बहन उनसे सीता जी की शिकायत करती हैं, जिससे शुभ हो राम सीता का परित्याग करते हैं। कथा यूं है कि श्री राम की बहन सीता जी को बार बार पूछ रही हैं कि भाभी आपने तो रावण को देखा है, वह दशानन कैसा दिखता है। ननद के बार बार के हट से झुककर सीता जी ने अपना पतिव्रत धर्म मानते हुए रावण के स्वरूप का चित्रण शब्द में न करके एक रेखा चित्र बना दिया। राम भगिनी उसी चित्र को राम जी को दिखलाकर भड़काती है, भैया जवने रावण आउर बैरी भवजी ओही के दिहली उरेह, अर्थात सीता का चित्त तो अभी भी आपके शत्रु में लगा है। इसी परिवाद पर राम ने सीता का परित्याग किया। पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानु कुल भानु, उस सीता को राम ने निष्कासित कर वनवास भेज दिया। वाल्मीकि आश्रम में सीता प्रसव वेदना से पीड़ित हैं, किंतु वे माननी भी हैं। सीता की समस्त वेदना और मान इस संस्कार गीत में उमड़ पड़ता है और सीता के कष्ट को स्मरण कर श्रोता फफक उठता है। राम अवरु लक्ष्मण भैया आरे एकली बहिनिया हई हो, ए जीव राम जी बैठले जीवन अरवा बहिनी लैया लगवेली हो, ए भैया भौजी के द
बन बसवा जीनी रवना उरे हली हो। बहिन की बात लग गई, राम ने सीता को निर्वासित कर दिया। सिया की दशा दयनीय है। रोवली सीता देह छछन करी, अवरू बिछन कई हो। ए जीव के मोरा अगवा पिछवा, लटवा के खोले नू हो। वन देवी सीता को दारस देती हैं। सीता कुसवा ओड़न कुसदासन, वन फल भोजन हो से समय व्यतीत करती हैं। पुत्र जन्म लेता है तब अयोध्या संदेश भेजती हैं, पर राम के प्रति मान है। वे दूत से कहती हैं, पहिल लोचन राजा दशरथ, दूसर कौशल्या रानी हो। तीसरे लोचन लक्ष्मण देवर, रमैया जनी सुनसु हो। दूत तुम प्रथम संदेश राजा दशरथ को तथा दूसरा सासु कौशल्या को देना। यह तीसरा पत्र मेरे देवर लक्ष्मण को देना, किंतु ध्यान रखना कि राम यह संदेश न जान पाए, उन्हें खुशी में सहभागी नहीं बनाना। मिथिला जहां जगदम्बा सीता अवतरित हुई है, वहां श्री राम का एक अलग स्वरूप है। लोक राम को किस रूप में देखता है, एक चित्र देखिए। सीता जी बहिनी हमार हो, राम लागे पहुनवा। क्या प्रेमिल भाव है, देखते ही बनता है। इसी भाव का विस्तार करते हुए नारियां राम से विनती करती हैं। ये पहनुआ एही मिथिले में रहू ना, जे सुख बा ससुरारी में ऊ सुख बा कहू ना, एही मिथिले में रहू ना। लोक संस्कृति में इस प्रकार राम अनेक रूपों में विद्यमान है, लोक नायक बने हुए हैं। जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक श्री राम नाम सत्य है के घोष के साथ चिर शांति प्रदान करते हैं। जय श्री राम।